आप अगर इस प्रकार के रो डेटा को कुछ इस प्रकार के डैशबोर्ड में कंप्लीट कर पाते हैं, तो आपको इसी काम के मिलते हैं 4 से 5 हज़ार रुपये, वो भी घर बैठे। अगर आप 5 से 6 प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं 1 महीने के अंदर, तो आपको 18 से 20 हज़ार रुपये अर्न हो सकता है। तो ये काम कैसे होगा और कहाँ से काम मिलेगा और इसका पेमेंट प्रूफ क्या है, ये सभी जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो डैशबोर्ड क्रिएट हुआ है इसमें क्या बहुत खास है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टोटल सम किया हुआ है और सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आइटम्स दिख रहे हैं और यहाँ पे नेम दिख रहे हैं जो भी आइटम्स के नेम है, और इसके बाद यहाँ पे कंट्री है। तो अगर हम यहाँ पे कंट्री पे क्लिक करते हैं, किसी भी कंट्री पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल जो सेल हुआ है वो आपको एक चार्ट के रूप में दिखा रहा है, और यहाँ पे पूरा पूरा टाइम लाइन के साथ, यानी कौन से महीने में कितना सेल हुआ है वो भी यहाँ पे पूरी मंथ के हिसाब से दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे कनाडा पे क्लिक करते हैं, चाइना पे क्लिक करते हैं, तो हर एक कंट्री के हिसाब से यहाँ पे टोटल सेल दिख रहा है। यहाँ पे क्लाइंट को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे क्लिक करेगा और उसके बाद उसको उस प्रकार का फ्लो चार्ट और डैशबोर्ड क्रिएट हुआ मिल जाएगा। तो ये काम कैसे होने वाला है और कैसे इसको बना सकते हैं पूरा पूरा सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे गूगल्स पे, और यहाँ पे हमको मिल जाता है fiverr.com, freelancing.com और upwork.com। ये तीनों हमारे फ्रीलांसिंग के साइट हैं। यहाँ पे अगर आप अपनी आईडी बनाए हुए हैं तो यहाँ पे डाटा एनालिसिस के नाम से आपको काम मिल जाएगा, अगर आप डाटा एनालिसिस एक्सेल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम किसी एक साइट को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं डाटा एनालिसिस, कि डाटा एनालिसिस में हमको क्या करना होता है और यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या पेमेंट है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत से प्रकार के यहाँ पे हमारे सामने दिख रहे हैं, देख सकते सभी यहाँ पे काम के बारे में अपने अपने डिटेल्स को फिल किए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत से एक एक करके यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे हम यहाँ पे एक गिग्स को ओपन कर लेते हैं जो इस प्रकार से दिख रहा है, और यहाँ पे देख सकते बोल रहे हैं आई विल डू एक्सेल एंड गूगल सीट डैशबोर्ड डाटा एनालिसिस पिवोट चार्ट, यानी कि ये डाटा एनालिसिस में पिवोट चार्ट से एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे जो कि हम उसका पैकेज रखते हैं यहाँ पे 4,351 बेसिक पैकेज है। अगर इसकी स्टैंडर्ड पैकेज की बात करें तो यहाँ पे 10,878 रुपये यह लेते हैं, और अगर प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे 21,755 रुपये लेते हैं। तो इस काम के, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे पेमेंट प्रूफ देख लिया और यहाँ पे कैसे यहाँ पे आईडी बनाने के बाद काम मिलता है, और यहाँ पे देख सकते हैं इनको 2 ऑर्डर पहले क्विक पड़े हुए हैं, और इनका जो रेटिंग है 358, यानी बहुत ही अच्छा रेटिंग है, यानी ये जो काम करके देते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करने की आवश्यकता है, जो हम यहाँ पे आपको एक्सेल के लिए एक यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देंगे, जो जिसे आप प्रैक्टिस सेट पे अपना प्रैक्टिस करेंगे उस पे 2 से 3 बार इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद अपने उस काम के लिए आईडी बना के अपने काम को ले सकते हैं। सो आइए पहले सीखते हैं कि कहाँ पे काम होगा और कैसे ये कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे अपने एक्सेल पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो हमारे सामने यहाँ पे लगभग में 2000 के लगभग यहाँ पे रो का डेटा है। अब इस डेटा में से हमको डैशबोर्ड क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल ए कर लेते हैं। जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरा पूरा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे सर्च टैब में, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने पिवोट टेबल मिल जाएगा। तो इस पिवोट टेबल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले यहाँ मिलेगा न्यू वर्कशीट और एग्जिटिंग वर्कशीट। तो हमको यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके नीचे आ जाना है, तो यहाँ मिलेगा ओके। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे हमको यहाँ पे एक नया सीट मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे पिवोट टेबल का पूरा पूरा फील्ड मिल जाएगा, जो हम जिस प्रकार से हमको क्लाइंट ने बोला हुआ है उस प्रकार से डाटा को कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे हमको नीचे आते 4 प्रकार के यहाँ पे बॉक्स मिल जाएंगे। पहला है फिल्टर, दूसरा है यहाँ पे कॉलम्स, तीसरा है यहाँ पे रो और चौथा है वैल्यू। हम इसी 4ों बॉक्स में हम क्लाइंट के मुताबिक यहाँ पे सभी यहाँ पे सेलों को रखेंगे जिसके अकॉर्डिंग ये हमारा टोटल यहाँ पे डाटा बनने वाला है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट यहाँ पे है कि सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल दिखना चाहिए, तो इस सब कैटेगरी को उठा के यहाँ पे हम रख देते हैं रो में, जिससे कि यहाँ पे पूरा पूरा यहाँ पे
सब कैटेगरी के यहाँ पे डिटेल्स आ गए हैं। और टोटल देखना है तो इस टोटल को उठा के हम रख लेंगे वैल्यू में, जैसे रखेंगे ऑटोमेटिक या टोटल वैल्यू दिख रहा है, उसके बाद अकाउंट दिख रहा है तो यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सम पे क्लिक करके कर देंगे ओके। अब यहाँ पे सब कैटेगरी अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल सम दिख रहा है। फिर इसके बाद हम जैसे इसको क्रिएट करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एनालाइज टैब का ऑप्शन ओपन हो गया। तो यह एनालाइज टैब तभी ओपन होता है जब पिवोट टेबल क्रिएट होता है, अगर बाहर क्लिक करेंगे वह एनालाइज टैब गायब हो जाएगा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे आ जाएगा। तो हमको इस एनालाइज टैब पे आ जाना है, जैसे आएंगे यहाँ पे हमको मिलेगा एक चार्ट, जो पिवोट चार्ट होता है यहाँ पे शो हो रहा है। इस पिवोट चार्ट पे हम आएंगे और क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे हमको यहाँ पे अलग अलग प्रकार का पिवोट चार्ट के रूप में यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमको जैसा चाहिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक इस प्रकार से शो होगा और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो इस प्रकार से शो हो गया, अब इसको उठा के हम यहाँ पे रख लेंगे। अभी तक देखिए हम कोई भी कैलकुलेशन कोई वैल्यू नहीं किए हुए हैं, बस हम यहाँ पे इंसर्ट करा रहे हैं। उसके बाद क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये है कि हमको कंट्री के मुताबिक यहाँ पे टोटल यहाँ पे आइटम्स देखने हैं। तो यहाँ पे फिर से हम आ जाएंगे एनालाइज टैब में और यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे फिल्टर के अंदर स्लाइसर, स्लाइसर में इस काटना होता है तो काटेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे हम ओपन जरूर करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन में हम सबसे पहले ले लेंगे कंट्री के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमको नेम्स देखना है कौन कौन सेल किया हुआ है और कौन कौन से आइटम्स है ये, तो हमने इतना क्लिक करके यहाँ से ले लिया और करते हैं नीचे ओके। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर दिए ऑटोमेटिक देखिए इस प्रकार से आ गया, और हम यहाँ से आइटम्स प्लस नेम यानी कौन कौन सेल किया हुआ है वो, और इसके बाद कौन कौन सा आइटम है वो भी हमने ले लिया। इसके बाद इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं जिससे थोड़ी सी लुक यहाँ पे बढ़ जाएगी। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने पकड़ खींच लिया और यहाँ पे ऐसे हम खींच लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ से खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। तो फाइनली देखिए यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड लगभग में कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम टाइम लाइन इंसर्ट कराएंगे कि हमको महीने के हिसाब से टोटल सेल देखना है। तो यहाँ पे इतना हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे जाएंगे एनालाइज टैब, लेकिन एनालाइज टैब अभी शो नहीं हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक एनालाइज टैब फिर से ओपन हो जाएगा, और इस पर क्लिक करके यहाँ पे हमको मिल जाएगा टाइम लाइन इंसर्ट टाइम लाइन, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमको नीचे टाइम लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस डेट पे क्लिक करना है और कर देना है ओके। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा, और इसको उठा के यहाँ पे हम इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको कुछ इस प्रकार का पूरा पूरा डैशबोर्ड बन के मिल गया। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कैलकुलेशन से रिलेटेड, बस जैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था वैसा हम यहाँ पे ले लिए। एक दो बार तीन बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, और ये सिर्फ यही काम करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे हम कंट्री पे क्लिक करें ऑटोमेटिक ये हमारा चार्ट और यहाँ पे वो चार्ट यानी जो सब कैटेगरी है और कौन कौन सेल किया हुआ है और कौन कौन सा आइटम सेल हुआ है वो सभी दिख जाए। तो यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक ये पूरा पूरा एक दूसरे से मैच करता हुआ ज्वाइन है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे चार्ट भी बदल रहा है और यहाँ पे सब कैटेगरी बदल रहा है और कौन कौन सेल भी किया हुआ है ये भी बदल रहा है और कौन कौन से आइटम सेल हुए हैं ये सभी बदल रहे हैं। अगर हम ये देखना चाहते हैं कौन से महीने में कितना सेल हुआ है तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक देखिए हमारा जनवरी 2021 महीने में ये टोटल जो सेल हुआ है पूरा पूरा दिखा रहा है। यहाँ पे जनवरी 2021 में जो सेल हुआ है पूरा पूरा दिखा रहा है, फरवरी में दिखा रहा है, मार्च में दिखा रहा है, अप्रैल में दिखा रहा है, ऐसे हर एक महीने का यहाँ जो भी सेल हुआ रहेगा जिस भी सब कैटेगरी का, और जो भी इम्प्लॉय यहाँ पे सेल किया होगा कौन कौन सा आइटम ये भी, और कौन से कंट्री में वो भी, अगर ब्राजील की बात करें तो ऐसे जो भी आपको देखना है ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। एक तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्मार्ट डैशबोर्ड क्रिएट हुआ जिससे कि आपको बहुत अच्छे पैसे मिल सकते। और अगर आपके इन्फॉर्मेशन की ये वीडियो रहेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे लाइक भी करेंगे, सो ये आपकी चॉइस है आप क्या करते हैं। हमारा काम है कि आपके पास ऐसा नॉलेज पहुंचाना और सही नॉलेज देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।